आप ऐसा करें, आप बिलाल और हमजा से दूर रहें। क्यों? क्या उनसे करंट आता है? नहीं, वो थोड़े दिल फेंके। मैं अलग हूँ, थोड़ा सा शर्मीला, थोड़ा रोमांटिक। वो तो मुझे देखकर ही पता लग गया था कि आप काफी रोमांटिक हैं। और ये गिटार अरे कुछ सुनाइए ना। श्योर। कौन है भाई? दरवाजा तो आहिस्ता खोला करो। कौन है? मेरे लिए जरूर वहाज रख कर गया होगा। मजे का है। ओह वाओ, आपको तो बहुत अच्छा गाना गाना आता है। कहाँ से सीखा? वॉशरूम से। वॉशरूम से? हाँ हाँ, इनके वॉशरूम का दरवाजा नहीं था ना, इसलिए इनको गुनगुनाना पड़ता था। जेलस। आपको गाना गाना नहीं आता? अरे इसको गाना नहीं, इसको सिर्फ खाना आता है, दिमाग। सो फनी। वाहज, आपने बताया था आपकी दादी भी है। कहाँ है आपकी दादी? मैं आपकी दादी से मिलना चाहती हूँ। वो क्या है कि वो दादी बीमार है, वो सो रही है। बीमार है? फिर तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहती हूँ। उनका कमरा कहाँ है? कहाँ है दादी? सायल, मैं तुम्हें बेहतर चीज दिखाता हूँ। हम सब मिलके टीवी देखते हैं। हाँ, दादी टीवी पे आती है? नहीं, वो व्हीलचेयर पे आती है। अल्लाह, नाबीना होने के साथ साथ चल भी नहीं सकती। काश काश मैं उनके गुजरने से पहले उनसे मिल सकती। नहीं नहीं, दादी रेस्ट कर रही है, रेस्ट इन पीस बाद में होगा। अभी के लिए पायल देखो ना, मौसम कुछ बेहतर हो रहा है। नहीं, अब मुझे लगता है कि अब तुम्हें चलना चाहिए। मौसम ठीक हो गया? मौसम तो अब तक खराब है। तो कोई मसला नहीं, आप यही रुक जाए। वहाज के घर बिस्तर तो होंगे ना, ये खुद बाहर सो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कैसे बाहर सो जाएगा वहाज? जरा नजर डालो, यहाँ डालो। मौसम खराब से बेहतर होता नजर आ रहा है। नहीं तो मुझे लगता है अब पायल चल सकती है, घर चल सकती है। मौसम पे देखो ना। अब तुम्हें दादी से जगह मिल के जाऊंगी, अब तक बारिश का बहाना पिए। चलें चलो। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि ये यही रुक जाए, लेकिन दादी